गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल फर्दर कंटिन्यू द रिवीजन ऑफ फिफ्थ चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। इट वाज ड्यूरिंग शाहजहांस रीजन्स दैट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वर यूज्ड टुगेदर इन ए ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस। शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। हिज रीजन विटनेस्ड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली। शाहजहाँ के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। द केरमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एडियंस दीवाने खास होम वर केयरफुली प्लान। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। प्लेस्ड विद इन ए लार्ज कोर्टयार्ड these courts were also described as chihil sutun or 40 pillared halls। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहांस ऑडियंस हॉल्स वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिसेम्बल ए मॉस्क्यू। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। The pedestal on which his throne was placed was frequently described as the Qibla, the direction faced by Muslims at prayer, since everybody faced that direction when court was in session। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला यानी नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा किबला कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। द आइडिया ऑफ द किंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड बाय दीज आर्किटेक्चरल फीचर्स। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट वाज इनहेसिड बाय शाहजहां इन हिज नेवली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली।
शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बिहाइंड द एम्पायर्स थ्रोन वर ए सीरीज ऑफ पितरादूरा इनलेज दैट डिपिक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड और ऑर्फियस प्लेइंग द ल्यूट। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑर्फियस म्यूजिक कुड कॉन फ्रोसियस बीस्ट्स अंटिल दे को एग्जिस्टेड टुगेदर पिशेबली, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित गया था। ऐसा माना जाता है कि ऑर्फियस का संगीत जानवरों को भी शांत कर सकता था या कर सकता है, और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ लगे रहते थे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां ऑडियंस एम्ड टू कम्युनिकेट दैट द किंग्स जस्टिस वुड ट्रीट द हाई एंड द लो एज इक्वल्स, क्रिएटिंग ए वर्ल्ड वेयर ऑल कुड लिव टुगेदर इन हार्मनी। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रीजन शाहजहांस कैपिटल वॉज एट आगरा, ए सिटी वेयर द नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। शाहजहां के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी, और इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। दीज वर सेट इन द मिडेस्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन्स कंस्ट्रक्टेड इन द चार बाग फॉर्मेट। इनका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। द चार बाग गार्डन ऑल्सो हैड ए वेरिएशन दैट हिस्टोरियंस डिस्क्राइब एट द रिवर फ्रंट गार्डन। इन दिस द ड्वेलिंग वॉज नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चार बाग बट एट दिस एज क्लोज टू द बैंक ऑफ द रिवर। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं, और इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था।
शाहजहां एडॉप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल एक्यूम्प्लिशमेंट ऑफ हिज रीजन। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तटबाग की योजना अपनाई। हियर द व्हाइट मार्बल मुस्लिम वाज प्लेस्ड ऑन ए टेरेस बाय द एड ऑफ द रिवर एंड द गार्डन वाज टू इट्स साउथ। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। शाहजहां डेवलप हिज आर्किटेक्चरल फॉर्म एज मीन्स टू कंट्रोल द एक्सेस दैट नोबल हैड टू द रिवर इन द न्यू सिटी शाहजहांबाद दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली। यहाँ सफ़ेद संगमरमर जब नदी पर सभी अभिजातों की पहुँच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। द इम्पीरियल पैलेस कम ऑन द रिवर फ्रंट ओनली स्पेशली फेवरेबल नोवेल लाइक हिज एल्डेस्ट सन दारा को वर गिविन एक्सेस टू द रिवर केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारासिको को ही नदी तक पहुंच मिली थी। ऑल अदर हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। रीजन एंड एम्पायर क्षेत्र व साम्राज्य। एंड बिटवीन द 8th एंड 18th सेंचुरीज देयर वाज आल्सो ए कंसिडरेबल शेयरिंग ऑफ आइडियाज अक्रॉस रीजन्स। द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वर एडॉप्टेड बाई अनदर। 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गईं। इन विजयनगर फॉर एग्जांपल द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स वर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फाउंड इन द एडजॉइनिंग सल्तनत्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी
आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। इन वृंदावन नियर मथुरा टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन आर्किटेक्चरल स्टाइल दैट वर वेरी सिमिलर टू द मुगल पैलेसेज इन फतेहपुर सीकरी। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स दैट अबाउट डिफरेंट रीजन अंडर देयर रूल हेल्प इन दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। विशाल साम्राज्य के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के प्रसंसेचन में मदद मिली। मुगल्स रूलर्स वर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडॉप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग्स। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकला शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। इन बंगाल फॉर एग्जाम्पल द लोकल रूलर्स हैड डेवलप्ड ए रूफ दैट वाज डिजाइन टू रिसेम्बल ए थैच हट। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। द मुगल्स लाइक्ड द बंगाल डॉम सो मच दैट दे यूज्ड इट इन देयर आर्किटेक्चर। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन वाज आल्सो एविडेंट इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी। मैनी ऑफ द बिल्डिंग्स सो द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ गुजरात एंड मालवा। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। इवन थ्रू द अथॉरिटी ऑफ द मुगल रूलर्स वैंड इन द 18th सेंचुरी द आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप अंडर देयर पैटर्न यूज्ड एंड अडॉप्टेड बाय अदर रूलर्स व्हेनेवर दे ट्राइड टू एस्टेब्लिश देयर ओन किंगडम्स। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने
जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए यह शैली अपनाई। थैंक यू।